नगर पंचायत के वार्ड सदस्यों ने जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन, साथ ही दी चेतावनी, नहीं हुआ समस्या का समाधान तो पद से देंगे इस्तीफा। नगर पंचायत चंदौली के अलग अलग वार्डों से जनता द्वारा चुने गए सभासदों ने नौ लिखित समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें नगर पंचायत चंदौली के विकास के लिए बोर्ड की बैठकों का आयोजन कितने समय सीमा के अंदर होनी चाहिए, इससे जुड़े शासनादेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने के साथ आयोजित बोर्ड की बैठक में चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी, वार्डों से चुने गए सभासद, गणना में सभासद गणों की क्या भूमिका होती है, उनके प्रस्ताव सुझाव आदि से जुड़े शासनादेश की सत्यापति प्रति उपलब्ध कराने एवं बिना सभासदों के प्रस्ताव के ही वार्ड क्षेत्र में कार्य कराया जाता है। नगर पंचायत चंदौली के कुल 15 वार्डों में विकास के विभिन्न पदों में कुल कितनी राशि खर्च की गई, नगर पंचायत में क्या क्या उपकरण की खरीद थी, उसका वार्ड वार और मतवार विवरण उपलब्ध कराया जाए आदि की समस्याओं को लेकर सभासदों ने जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को ज्ञापन दिया और साथ ही चेतावनी दिया कि यदि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण नहीं किया गया तो सभासद इस्तीफा देने के लिए बाध्य होंगे। बाइट नगर पंचायत चंदौली के सभासद चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत कुमार की रिपोर्ट। बताइए सर, समाजवादी पार्टी कन्यादान लैपटॉप बंटवाए आए हुए अपनी मांगों को रखने के लिए जन सूचना के तहत हमें 9 दिनों तक की मांग रखी थी, जिसके 1 महीना पूर्ण हो जाने पर भी हमें नहीं दिया गया। इसके बाद हम लोग आज फिर डीएम साहब के यहाँ आज अपनी 9 दिन की मांगों को रखा, जिसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार है। रूम का आवंटन हुआ जिसमें न किसी सभासदों को बताया गया और न ही ये प्रस्ताव में लाया गया, और उसको बोर्ड में बिना बोर्ड के प्रस्ताव को ही उन्होंने आवंटन कर दिया, जिसको हम लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सरकार का बहुत ही बड़ा राजस्व का घाटा किया, जिसको कि हर इच्छुक व्यक्ति उस रूम को ना ले पाए। अगर वो सरकार का घाटा इस कदर कर रहे हैं, अगर वो पेपर में निकालते, किसी भी पेपर में निकालते तो 10 लोग जो इच्छुक थे वो लेते और किसी न कहीं ना कहीं वो राजस्व का बहुत बड़ा लाभ होता। और ये भ्रष्टाचार ईओ, चेयरमैन और लिपिक के माध्यम से इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया कि एक ही रूम को दो दो लोग से पैसा लेके दो दो लोग का प्रलोभन दिया गया कि आपको मिलेगा। तो डीएम साहब क्या बोले? जिन डीएम साहब ने बोला ये हम लोग के सामने ही ईओ साहब को फ़ोन किया, फ़ोन उठा नहीं। ये देखिए इस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है कि डीएम साहब का भी फ़ोन नहीं उठा। डीएम साहब ने कहा कॉल बैक आता है तो फिर हम लोगों ने आपको अवगत कराया। नहीं तो आप 1 महीने पहले ज्ञापन दिए थे, ये दूसरा ज्ञापन है, क्या लगता है आपको 1 महीने से काम नहीं हुआ तो दूसरा ज्ञापन से काम होगा? अगर दूसरे ज्ञापन में काम नहीं होता है तो हम लोग सामूहिक होकर इस्तीफा देंगे, क्योंकि हम लोग आज ही जा चुके हैं इस भ्रष्टाचार से, क्योंकि हम लोग के जनता जो हम लोग बहुत उम्मीद से चुन के यहाँ भेजी है, अगर कुछ काम नहीं होता तो जनता की नज़र में हम लोग चोर नजर आएंगे। इस वजह से हम लोग इस्तीफा देंगे कि अगर काम नहीं होगा तो हम लोग। मैं उपेंद्र तिवारी, सभासद नगर पंचायत चंदौली। आज आप लोग हाथ में ज्ञापन लिए हैं और क्या मामला है और किसको ज्ञापन देने आए थे? हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे 1 महीना पहले 16 तारीख को, हम लोगों ने डीएम साहब ईओ साहब को ज्ञापन दिया था और जिसका जवाब नहीं दिए। 9 बिंदु पर हम लोग ने पूछा था कि हम लोग का अधिकार क्या है, अगर आप उनको बताने में सक्षम हैं तो हम लोगों ने डीएम साहब से पूछा है कि हम लोग का अधिकार क्या है। तो आज डीएम साहब क्या बोले? डीएम साहब ईओ साहब को तुरंत फ़ोन किया लेकिन ईओ साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, बोले कि हम बैक कॉल बैक आता है तो हम उनसे बात करके आप लोग का जो भी मांग है उसको तत्काल हम। आपको क्या आपको लगता है कि आपकी जो समस्या है सुनवाई होगी? नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है। 1 महीना पहले, करीब 1.5 साल पहले अगर साहब को हम लोग ने ज्ञापन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आपके ज्ञापन पर सुनवाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? हमारे ज्ञापन पर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। जब हमारी जब कोई तो मांग नहीं मांगे, इससे सभासद रहने से बढ़िया क्या? अब अपना एक तलहा राज चलाइए।